नमस्ते, मैं डॉक्टर हितेश जसवंत राय शाह, मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, राजस्थान हॉस्पिटल शाहीबाग अहमदाबाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ और यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ। शाहीबाग अहमदाबाद में कहान कार्डियक क्लिनिक है, कहान कार्डियक क्लिनिक चलता है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ और मैं आपको आज हार्ट अटैक के बारे में थोड़ी सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं दिल के बारे में। दिल हमेशा सेंसिटिव चीज़ होती है, आप सब लोग जानते हो दिल सेंसिटिव चीज़ होती है और दिल के संबंधित जो जुड़ी हुई बीमारियां है वो भी काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो हम अपने दिल के बारे में कुछ जानेंगे, दिल को कैसे संभाला जाए और दिल का दौरा हार्ट अटैक उसके बारे में जानेंगे ताकि हार्ट अटैक को कैसे अटकाया जाए। अभी हार्ट अटैक के बारे में अगर अपन सोचे तो हार्ट अटैक का प्रमाण इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे यंग पेशेंट में, मतलब जो यंग मरीज़ है जिसकी उम्र 40 साल से भी कम है उसको यंग पेशेंट बोलते हैं, उसमें हार्ट अटैक का प्रमाण काफ़ी बढ़ रहा है। अभी हम सब लोग ये लॉकडाउन कोरोना की इफ़ेक्ट से गुजर रहे हैं, कोरोना का सब लोगों को डर लगता है, लेकिन कोरोना के हिसाब से जो मृत्यु हुए पूरे विश्व में और जिस तरह से अभी भी उसका फैलावा बढ़ रहा है, अगर उसकी कंपैरिजन में हार्ट अटैक को देखा जाए तो तकरीबन 17.3 मिलियन लोग हर साल में डेथ होते हार्ट अटैक की वजह से और इसमें से लेस देन मतलब 50% लोगों की उम्र 50 साल से कम उम्र होती है और 30% लोगों की उम्र 40 साल से भी कम होती है। अगर अपन भारत की सिचुएशन देखें तो भारत में पर डे दिन में अप्रोक्सीमेटली 6300 मतलब 6300 लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से होती है, उसमें से 2000 लोगों की उम्र 40 साल से कम होती है, तो ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। अब हम कोरोना के आंकड़े देखते हैं तो हमको डर लगता है, लेकिन ये हार्ट अटैक के आंकड़े अगर वास्तव में आप देखो तो हार्ट अटैक की बीमारी है बहुत ही फैल रही है। अभी ये सब डेटा है बहुत ही अलार्मिंग है, आप जैसे देखो तो ऐसे हार्ट अटैक का सुनामी आया हुआ है इंडिया में। अब इसकी वजह क्या है, पहले जैसे गिना जाता था तो हार्ट अटैक की बीमारी 50 साल से ऊपर की उम्र में होती थी, अभी हार्ट अटैक की बीमारी कम उम्र में होने लगी है। इसमें जो मुख्यतः कारण है उसमें दो तीन चीज़ों का मैं गौर करना चाहूँगा। एक तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अपने जो रहने की जो स्टाइल है उसमें फिजिकल एक्टिविटी का प्रमाण बहुत कम हो गया है, हम मोबाइल कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से बैठे रहते हैं, ज़्यादा कोई वर्कलोड होता नहीं है, जैसे पहले खेती करते थे मेहनत वाला काम करते थे, मेहनत वाला काम रहा नहीं है। दूसरी चीज़ है खान पीन का तरीका तो अपने पहले जैसे शुद्ध खुराक खाते थे, अभी बाहर का खाना, तेल घी वाला खाना, नमकीन वगैरह, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें बढ़ गई है तो उससे बॉडी में फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ है मानसिक तनाव, तो तीसरी चीज़ मतलब हर आदमी कोई भी कोई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस में जी रहा है और मेंटल लोड लेके काम कर रहा है, तो मानसिक तनाव का सीधा असर अपने बॉडी के सिस्टम पे पड़ता है, नसें संकुचन में जाती है और फैट डिपोजिशन, लिपिड डिपोजिशन का रेट बढ़ता है। और चौथी चीज़ है लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि आपको सिम्टम्स हार्ट अटैक के जो चिन्ह है और हार्ट अटैक के बारे में अवेयरनेस नहीं होने के हिसाब से काफ़ी मरीज़ हॉस्पिटल में लेट पहुंचते हैं, जब तक हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका होता है, कई बार बिना हॉस्पिटल पहुंचे भी उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो सिम्टम्स को जल्दी से रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो ये सब उसके कॉजेज़ है। अब क्योंकि ये सब जनरल मैसेज है तो मैं दर्शक लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। जो हार्ट अटैक के सिम्टम है, सामान्यतः जैसे माना जाता है कि लेफ्ट साइड हाथ छाती के भाग में बहुत भारी दर्द होना, भारीपन महसूस होना, वो हार्ट अटैक का चिन्ह माना जाता है, वो सबको पता होता है। लेकिन कई बार उससे अलग तरीके के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, चिन्ह हो सकते हैं, जैसे ये जो दर्द है वो यहाँ से लेफ्ट साइड के हाथ के अंदर घूम सकता है, ये दर्द आपको यहाँ जड़बे पे, यहाँ लोअर साइड में महसूस होता है, कई बार खाली मात्र बैक पेन हो सकता है, कई बार आपको गैस्ट्रिक सिम्टम के साथ उनका प्रेजेंटेशन होता है कि आपको वॉमिटिंग हो, बराबर अचानक से पसीना हो जाए, तो ये सब सिम्टम्स जो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स रहते हैं जो आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ऐसा अचानक कोई सिम्टम हो, एक अचानक से आपको उल्टी आने लगी, पसीना होने लगा, चक्कर आके अचानक से गिर गए या फिर दर्द हुआ
और दर्द अलग अलग जगह पे महसूस होता है, तो आपको तुरंत ही उसके बारे में गौर करना चाहिए। नज़दीकी जो भी आपको मेडिकल अस्पताल या जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे जाके आप कार्डियोग्राम कराइए, कुछ जांचें करवाए, तो आपको इजीली हार्ट अटैक का निदान हो जाता है। अगर हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट का भी एक बेसिक प्रिंसिपल है, आप जितना जल्दी हॉस्पिटल में पहुँच के उसका इलाज कराते हो उतना हार्ट को डैमेज होने की संभावना कम हो जाती है और आपकी बच जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं उसको रिकग्नाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी एक बार आपको हार्ट अटैक का डायग्नोस करना है कि इसको कैसे निदान करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि आपको कोई भी ऐसे चिन्ह है, चेस्ट पेन हो रहा है या कुछ ऐसा अनइजीनेस लग रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाए, सामान्यतः हम उसका कार्डियोग्राम निकालते हैं। ECG अगर नॉर्मल और सस्पिशियस सिम्टम हो तो एक ट्रोपोनिन का रिपोर्ट आता है, चेस्ट पेन अगर आपको हो तो वो निकालते हैं, और उसके बाद हार्ट का इको और ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। तो इतने टेस्ट में यूजुअली पता चल जाता है कि आपको जो पेन हो रहा है जो भी है आपको का हार्ट की वजह से है कि नहीं है, ये सब टेस्ट नॉर्मल है। तो आपको फिर रूटीन प्रिकॉशंस डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, अगर कुछ इसमें गड़बड़ आती है तो फिर उसके हिसाब से उसका आगे इलाज किया जा सकता है। अभी हार्ट अटैक एक बार अगर आपको होता है, कुछ हार्ट की बीमारी होती है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। हार्ट की बीमारियों का इलाज भी बहुत सचोट तरीके से होता है अगर आपको अच्छी तरह से इलाज हो। जैसे आपको हार्ट अटैक आया, आप हॉस्पिटल में चले गए, आपका एंजियोग्राफी और जो नसों में ब्लॉकेज था उसको क्लियर हो गया, स्टेंट लगाया, जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद आदमी लंबे समय तक अच्छी तरह से जी पाता है, नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है। तो हार्ट अटैक के बारे में इसलिए अपने को जानना जरूरी है कि इसका प्रॉपर तरीके से टाइमली अगर निदान हो जाए और उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ती नहीं है। तो इसलिए हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है उसको अपने को प्रॉपर तरीके से जानना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। काफ़ी लोगों को ये मन में संदेह रहता है कि एक बार अपन कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब जांच कराएंगे तो फिर अपने को दवाएं लेनी पड़ेगी, दवाएं फिर बंद नहीं हो पाएगी, ये सब मान्यता है, उससे कई बार नुकसान होता है। ख़ास तरीके से जो मरीज़ जिसको रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर हम जिसको बोलते हैं कि जिसको रिस्क फैक्टर, जिसको किसी के मदर फादर को हार्ट अटैक हुआ है, इसके भाई बहन को किसी कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, उनके कुछ हैबिट्स ख़राब है, जैसे स्मोकिंग करते हैं, टोबैको लेते हैं, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो ये सब मरीज़ को, ये सब टाइप के लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और पहले भी मैंने लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स बताए, जो खाना पीना, स्ट्रेस, वो सब तो है ही, उसमें ऐड होता है। तो इस तरह से जो अपना रिस्क प्रोफाइल अगर हाई है तो अपने को रेगुलरली स्क्रीनिंग टेस्ट भी करना चाहिए, जिनको कोई चिन्ह भी नहीं हो तो भी हम रेकमेंड करते हैं कि अभी 35 इयर्स के बाद आपको साल में एक बार एनुअल कार्डियक चेकअप करना चाहिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है और रूटीन कार्डियक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो ये सब तो हार्ट अटैक की अवेयरनेस के बाद, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट किया जाए। अगर हार्ट अटैक के हम रिस्क फैक्टर्स देखें, जैसे मैंने आपको बताया, तो हार्ट अटैक के काफ़ी रिस्क फैक्टर ऐसे हैं कि जिसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको अगर प्रॉपर तरीके से अपन टैकल करें तो 80% ऑफ द हार्ट अटैक, 80% हार्ट अटैक है वो अटकाए जा सकते हैं, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए अपने को जानना जरूरी है कि क्या क्या अपन कर सकते हैं। जो मैंने पहले बताया उसमें लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल में चेंज, एक तो फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बढ़ाइए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, 30-40 मिनट घूमने फिरने जाइए, एक्सरसाइज करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट का सर्कुलेशन उससे रोटेट होता रहता है, कोलेस्ट्रॉल बने रहते हैं, तो आपको सीवियर हार्ट अटैक आने की संभावना कम रहती है। सेकंड चीज़, आपकी खान पीने की हैबिट्स, जो आप बहुत सीरियस नॉट से अभी छोटे छोटे बच्चे वगैरह में भी अपने देखे जाए तो उनके खाने पीने की हैबिट्स में बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, उसको सीरियस लेना चाहिए। जैसे अपन कोरोना के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज यूज़ करते हैं, इसी तरह से ये सब जो मैं बोल रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी पूरा सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए। थर्ड थिंग, स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए बेस्ट, स्ट्रेस हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ वजह से स्ट्रेस होता है, सबको ऐसा लगता है कि अपने स्ट्रेस के जो वजह है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ज़्यादा सब परेशान हूँ, लेकिन स्ट्रेस तो हर एक की लाइफ में रहने वाला है। स्ट्रेस अपन इसको रिमूव या दूर नहीं कर सकते, इनको मैनेज ही कर सकते हैं। और स्ट्रेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी धर्म मार्ग में है, जो धर्म को फॉलो करते, उसमें आप स्पिरिचुअल एक इंक्लिनेशन रखें, स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता का वलन रखें, वही आपको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बेस्ट उपाय है।
आप जो भी भगवान में मानते हो वही भगवान में मानो और उसके संबंधी जो तत्व ज्ञान या विचार है उसमें फोकस करके अपनी लाइफस्टाइल को उस हिसाब से रेगुलेट करो, वही स्ट्रेस रिलीज करने का बेस्ट उपाय है। और बाकी जो आगे का है कि सिम्टम्स, आपको जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में काफ़ी आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएंगे, मेरे खुद के भी वीडियोस है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो उसको। और उसमें से जो भी अपने को कोई भी सस्पिशियस सिम्टम है तो डॉक्टर के पास जाने के लिए बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं है, अर्ली जाइए। सपोज नॉर्मल रिपोर्ट आएगा तो आप घर वापस आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वास्तव में कुछ इश्यू होगा तो आपको लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट हो जाएगा। एंड उससे इम्पोर्टेंट से स्क्रीनिंग, आपको रेगुलर तरीके से आप, जैसे आपके पास कोई अच्छी कार होती है, इवन बाइक होता है, तो आप उसको रेगुलर मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस सर्विस करवाते हो। आप 6 महीना 5 महीना गाड़ी चले फिर भी नॉर्मल चल रही तो भी उसका सर्विस करवाते हो, तो ये तो अपनी हार्ट एक्चुअली बॉडी का इंजन होता है, तो उसको तो बराबर से मेंटेन करना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे उसके प्रॉपर तरीके से जांच करें। खास करके जिसको रिस्क फैक्टर मैंने बताया, जो रिस्क फैक्टर है उनको प्रॉपर तरीके से जांच करके उसको मेंटेन रखना चाहिए। आपको दिल के बारे में अगर कुछ और जानना है, अपनी बीमारियों के बारे में अगर कुछ और परामर्श करना है, तो आप मुझे कान कार्डियक क्लिनिक शाहीबाग अहमदाबाद राजस्थान हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हो। नीचे आपको कान कार्डियक क्लिनिक का एड्रेस है, शाहीबाग राजस्थान हॉस्पिटल के बाजू में शुकन मॉल कॉम्प्लेक्स में 320 नंबर में हमारा कान कार्डियक क्लिनिक है, और आपको drhitesh.com वेबसाइट पे भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और गूगल पे भी आप उनका कान कार्डियक क्लिनिक के पेज पे इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।